जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों आप लोग बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का सीटों की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया है। आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग आप लोग को बताना चाहेंगे दोस्तों कि ऐसे ऐसे भी अब जोन देखने को मिल रहे हैं जहां पर भैया 100 वैकेंसी थी तो वहां पर 1000 कर दिया गया है। तो बहुत ज्यादा, मतलब कहने का अर्थ मेरा यही है कि बहुत ज्यादा जो है आप लोग की जोन की सीटों की संख्या को इंक्रीज किया गया है। किसी में बहुत जो है भैया नॉर्मल उसी जितना था, मान लीजिए 80 सीटों पर वैकेंसी था तो 80 ही रख दिया गया है, कहीं पर 80 था तो भैया उसको जो है 80 से उठा करके 180 भी कर दिया गया है। तो दोस्तों पहले जिस हिसाब से आप लोग फॉर्म को फिलअप किए थे वो फॉर्म को फिलअप करना आप लोग के लिए मायने नहीं रखता है, कि इसी यही कारण है कि आप लोग का जो है आयोग भी मॉडिफिकेशन का टाइम दे रहा है। आप लोग अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, 15 दिनों का टाइम मिलेगा। अभी आयोग आप लोग का फाइनल डेट जारी नहीं किया है, कभी भी लिंक आयोग के द्वारा ओपन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग आप लोग को अभी हम बतलाने वाले हैं, और स्पेशल जो ट्रेड का अभी हम बतलाएंगे वो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। जी हाँ साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का अभी हम आप लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग आईटीआई के किसी भी ट्रेड से हैं, मान लीजिए फिटर से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, वेल्डर से हैं, मशीनिस्ट से हैं, भैया किसी भी ट्रेड से हैं तो टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे ट्रेड का हम आप लोग को बतला भी दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर भी आप लोग को बहुत सारे ट्रेड का जो है देखने को मिल जाएगा। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, और अगर हम किसी भी ट्रेड का मेरे से छूट गया है तो आप लोग कॉमेंट करिएगा, आप लोग के ट्रेड से रिगार्डिंग हम आप लोग को वीडियो जो है उपलब्ध करा देंगे कि आप लोगों के लिए सेफ जोन कौन सा रहने वाला है नए डाटा के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, देखिए नए डाटा के हिसाब से आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सारा चीज चेंज होने वाला है, तो फॉर्म को मॉडिफाई जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा आप लोग के लिए बेस्ट साबित होगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि आप लोग के लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए जो मैंने स्पेशल नोट्स बनाया है वो नोट्स कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये वो डाटा है किसके लिए भैया, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए ये वो डाटा है, जहां जिस हिसाब से आप लोग जो है इस डाटा के हिसाब से समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। देखिए दोस्तों, हम यहां पर आप लोग के लिए सबसे हाईएस्ट जोन का सबसे पहले नाम लिखे हैं और यहां पर सीटों की संख्या रखे हैं। नाम कौन सा है, तो मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, 813 सीटों पर वैकेंसी है। उसके बाद आता है चेन्नई में वैकेंसी भैया, 683 सीटों पर वैकेंसी है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना चाहेंगे, कभी भी आप लोग को जो है हाईएस्ट सीटों को देख करके भैया फॉर्म को नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए कभी भी आप लोग को जोन के टोटल सीटों से मतलब नहीं रखना है, आप लोग को अपने कैटेगरी के सीटों से मतलब रखना है। मान लीजिए कि कहीं पर भी 100 सीटों पर वैकेंसी है और वहां पर जो है 90 सीट ओबीसी का दे दिया, 10 सीट जनरल का दे दिया, और आप लोग देख रहे हैं कि 100 सीटों पर वैकेंसी और जनरल से होकर के वहां पर फॉर्म को डाल दिए, तो क्या होगा भैया, कहां किसका प्रॉफिट है, जनरल का है कि ओबीसी का है? तो ओबीसी का जाहिर सी बात है कि वहां पर है। तो आप लोग को समझना होगा दोस्तों कि आप लोग को अपने कैटेगरी से मतलब रखना है, टोटल जोन की सीटों की संख्या से मतलब नहीं रखना है। तो कैटेगरी का डाटा आप लोग को अभी हमें बतलाएंगे, सभी कैटेगरी का बतलाएंगे, यूआर यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू, सभी कैटेगरी का बतलाने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, चैनल पर नए बीच के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों हम आप लोग को सारे जॉब्स का अपडेट देते रहते हैं, और उसके साथ साथ बीच में कुछ भी बदलाव होता है सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को बतलाते रहते हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोग को एक छोटा सा एक मिनट का बस टाइम लेंगे हमारे प्यारे साथियों। देखिए एक आप लोग को हम यहाँ पर दिखलाना चाहते हैं हमारे प्यारे साथियों नोट्स। देखिए बहुत सारे भाइयों के द्वारा हमारे पास मैसेज आता है कि भैया हम जो है बाहर कार्य करते हैं, किराना स्टोर पर कार्य करते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, हमें कोई ऐसा नोट्स दे दीजिए ना ताकि हम लोग मोबाइल पर ही इजीली कहीं पर भी निकाल कर पढ़ सकें। क्योंकि क्या होता है कि भैया बुक निकालने में ऑकवर्ड सा महसूस होता है, लोग मुंह देखना चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो उन भाइयों के लिए स्पेशली मैंने एक नोट्स अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखिए इस नोट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, आप लोग को बेसिक साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि पूछेगा, इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये सारे आप लोग को टॉपिक वाइज जो समझाया गया है हिंदी में भी इंग्लिश में भी सारा समझाया गया है। अगर आप लोग नोट्स को ले लेते हैं तो साथियों आप लोग का हम 100% बोलेंगे ना, 70% तैयारी आप लोग का सेफ जोन और फिर इस नोट से हो गया, 30% आप लोग को सेल्फ मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग में रख लीजिएगा, तब आप लोग का एकदम 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग को रीजनिंग से क्वेश्चन, रीजनिंग से भी टोटल हम लोग को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर टॉपिक वर्क, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है आप लोग का, लेटर एंड नंबर सीरीज से आप लोग का क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ये नोट्स को ले लेते हैं तो आप लोग अपने एग्जाम को जो है बहुत ही आसान कर देंगे, एग्जाम देने जाइएगा तो भैया एग्जाम हार्ड नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। और अगर आप लोग इंडिया के कोई भी एग्जाम देने दे रहे हैं ना दोस्तों, और किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भी टेक्नीशियन का भी नोट्स चाहिए तो सेम नंबर है आप लोग के लिए, यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना है, आप लोग को नोट्स दे दिया जाएगा। नोट नंबर कौन सा है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए
141238। ये क्या है आप लोग के लिए दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, दिमाग में रख लीजिएगा, व्हाट्सएप करिए, कोई भी क्यूरी है आप लोग को यहाँ पर बतला दीजिएगा। 7870141238 व्हाट्सएप करना है दोस्तों, और यहाँ पर अपना कोर्स बतला देना है कि हाँ भैया हम टेक्नीशियन से हैं, क्या फिर एलपी में फॉर्म अप्लाई किए हैं, ग्रुप डी में किए हैं, एनटीपीसी में किए हैं, एसएससी जीडी किए हैं, बिहार पुलिस किए, यूपी पुलिस किए, हरियाणा पुलिस किए, राजस्थान पुलिस किए, कोई भी जॉब हो भैया इंडिया का आप लोग को नोट चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतलाना है और मात्र 70 रुपीज, किसी भी जॉब के रिगार्डिंग आप लोग को मात्र 70 रुपीज जो है यहाँ पर पे करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, मात्र 70 रुपए। भैया एक शाम का बर्गर समोसा पिज्जा छोड़िएगा ना, आराम से 70 रुपए में इस नोट्स को ले लीजिएगा, तो मात्र 70 रुपए में नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा दोस्तों, तो नंबर को नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं अपने टॉपिक को, 10+2 के लिए, सॉरी 10+2 के नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए कौन सा सेफ जोन रहने वाला है। तो आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी का हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए जनरल के लिए अगर आप लोग जनरल, आपका जनरल कैटेगरी का आपका अगर कोई भी मित्र होगा, भाई होगा, उससे एक बार पूछ करके देखिएगा कि भाई टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे, सीधे उसके जवाब से आएगा ना कि भैया मुंबई ना तो चेन्नई करेंगे, का है सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर देखने को मिल रहा है, 813 और 683, समझ गए, 813 683। वो अपना कैटेगरी नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है, टोटल सीटों की संख्या देख रहा है। तो भैया जहां पर टोटल सीटों की संख्या ज्यादा है वहां से बचकर रहना है, स्पेशली जनरल वालों को बचकर रहना है, ठीक है। तो भैया ये जो जोन है मुंबई और चेन्नई हम लोग को एकदम छोड़ देना है, दिमाग में बैठा लीजिए। फॉर्म कहाँ अप्लाई करना है, बिलासपुर, बिलासपुर भी भैया थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है खतरा लेकर के ही करना है, क्योंकि एलपी में ज्यादा वहां पर फॉर्म अप्लाई हुआ है तो हो सकता है, मगर बिलासपुर हमारे देखने से ठीक है, करिएगा। कोलकाता करिए जनरल वाले, अजमेर करिए, सिकंदराबाद करिए, अहमदाबाद करिए, भोपाल में करिए, प्रयागराज मत करिएगा भैया, यूपी से दूर रहिए, बिहारों से दूर रहिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। जम्मू श्रीनगर करिए, रांची करिए, ये सभी जोन में करिए, जनरल के लिए बेस्ट रहेगा। एसी की बात कर ले तो एसी में ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है, जनरल के हिसाब से नहीं होता है, आप लोग को भी अच्छे से मालूम है कि जनरल में ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, एससी एसटी में बहुत कम देखने को मिलता है। 108 है करिए मुंबई में, चेन्नई में भी करिए, बिलासपुर करिए, कोलकाता करिए, अजमेर करिए, सिकंदराबाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी में भी आप लोग इन 5 और 6 जोन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी के लिए भी मैंने यहाँ पर छाटा हुआ है, बिलासपुर करिए, कोलकाता करिए, अजमेर, सिकंदराबाद, और उसके बाद बात कर लेते हैं तो अहमदाबाद में करिए, और इधर जम्मू और फिर रांची में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले दोस्तों तो बिलासपुर, कोलकाता, अजमेर, अहमदाबाद और सिकंदराबाद, इन सभी जगहों पर आप लोग कर सकते हैं, आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों अगर आप लोग पढ़ने में भैया तेज हैं, पढ़ने में सही मायने में है कि नहीं भैया हम कहीं पर भी जॉब को ले सकते हैं, तो आप लोग अपने होम टाउन में करिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अपने होम टाउन में करिए भैया, जब पढ़ने में फाइनल है तो झूठ मूठ का 5 साल का है के लिए दूसरे जोन में जाइएगा भैया, साउथ की तरफ चेन्नई वगैरह में, ठीक है। तो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ने में तेज तराज हैं, अपने होम टाउन में करिए, बिहार से हैं पटना में करिए, यूपी से हैं प्रयागराज में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जॉब लीजिए। अगर भी पढ़ने में मीडियम है तो जहाँ बतला रहे हैं वहाँ पर करिए, ठीक रहेगा आप लोग के लिए, हमारे देखने के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोग भैया पढ़ने में कमजोर है मते अप्लाई करिए, क्यों नहीं भैया, झूठ मूठ का माँ बाप का 2-3 हज़ार रुपया खर्चा करिएगा, आप लोग को भी मालूम है कि कितना मेहनत से वो लोग कमाए हुए हैं, तो मत अप्लाई करिए भैया पढ़ने में कमजोर है, तो पहले पढ़ाई को मजबूत करिए उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो नंबर को याद रखिएगा, नंबर पर आप लोग को नोट्स दे दिया जाएगा, नंबर क्या है फिर से बोल रहे हैं नोट करिए, 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, ठीक है, नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग को नोट्स लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। चलिए आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर करके जरूर से जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। कोई भी क्वेरी है कॉमेंट सेक्शन है, कॉमेंट करिए, आप लोग को रिप्लाई हम जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जय हिंद जय भारत।